सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सांसद दुष्यंत चौटाला ने इनेलो और बीएसपी का गठबंधन टूटने पर बयान दिया। MH1 न्यूज से खास बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन टूटने पर इनेलो को बयान देना चाहिए। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहली बात, आज जो है इनेलो का जो है बसपा से गठबंधन जो है टूट गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो इंडियन नेशनल लोकदल इस पर जवाब दे कि क्या कमियां रही, क्या बातें हुई थी जिन पर दोनों संगठन पूरे नहीं उतर पाए। जहां जननायक जनता पार्टी की बात है, हमारा तो ना तो इस गठबंधन में कोई इंटरेस्ट था और ना ये गठबंधन हमारी वजह से टूटा है। ये तो जिन लोगों की वजह से टूटा है वो जवाब देने का काम करें। अच्छा, बसपा नेता हैं प्रकाश भारती, उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला पर आरोप लगाया कि अपना परिवार जोड़कर नहीं रख सके, तो उनसे हम गठबंधन कैसे रख सकते हैं? देखिए, इस पे मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की जहां बात है, हमारा परिवार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और नए लोग और अच्छी सोच के साथ प्रदेश को प्रोग्रेसिव शुरुआत देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वही ताकत आने वाले समय में हमें आगे लेकर जाए। जींद उपचुनाव की अगर बात करें तो पहला ही जेजेपी का चुनाव था और 38,000 वोट आपने लिए, सेकंड नंबर पर रहे। अच्छा आपको रिस्पांस मिला, आगे किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आज भी लोग प्रदेश भर के अंदर और नए लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी को वो एक ताकत देने का काम करें। लेकिन अभय चौटाला जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि जेजेपी जो है हमारे लोगों को तोड़ने का काम पे जोर दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज का तो एक कार्य है कि अपना कुनबा बढ़ाओ और अच्छे लोग जो अलग अलग संगठनों में उनको साथ लाओ। अगर यही सोच के चलोगे कि भी हम किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं लेंगे तो फिर संगठन बनेंगे कैसे? संगठन की सोच वाले लोगों को तो लाना पड़ेगा और हमारा तो ये प्रयास है कि चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनसे भी जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम जल्द लाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान आया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार एंड इलेक्शन, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता, अभी 50 दिन में लोकसभा के चुनाव है, अच्छा जवाब देने का काम। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, 5 के करीब आपके सहयोगी विधायक है, विधानसभा जो बजट सत्र आने वाला है, किस तरह के मामले को कॉलिंग अटेंशन मोशन 2 प्रस्तावित करे हैं और उसके ऊपर 5 विधायक मिलकर प्रस्ताव डालेंगे। विधानसभा में जो सहयोगी विधायक हैं वो कॉलिंग अटेंशन मोशन लाएंगे, इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, पंचकुला।